गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग पहले वाले वीडियो में, जो हम लोगों ने दो वीडियो और बनाए थे इसी चैप्टर के, उसमें हम लोग पढ़ चुके सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन किसे कहा जाता है, उसके दो रूल देख चुके कि सिंगुलर नाउन को हम लोग हिंदी में एकवचन और प्लूरल नाउन को हम लोग हिंदी में बहुवचन कहते हैं, उसके दो रूल पढ़ चुके। कहाँ पे हम लोग एस का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम लोग ई एस का यूज़ करते हैं, ई एस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर वर्ड में, नाउन में, किसी भी नाउन में जहाँ पर एंड में एस, ई एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स ये आता है, उसके अंदर हम लोग ई एस का यूज़ करते हैं और बाकी में हम लोग एस का यूज़ करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 3, सम सिंगुलर नाउन एंड विथ ए कंसोनेंट्स वाई, इन सच केसेस वाई इज रिप्लेस्ड बाय आई ई एस। जब सिंगुलर नाउन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जिस वर्ड के अंदर, जो वर्ड है कोई भी हमको दिया हुआ, उसके अंदर अगर एंड किससे हो रहा हो, वाई से हो रहा हो, तो उस वाई की जगह पर, उस वाई को हटा कर हम लोग उस जगह पर वी आई ई एस का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, बी ए बी वाई बेबी, एंड किससे हो रहा है, वाई से। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग उस वाई को हटा कर उसकी जगह पर आई ई एस का यूज़ करते हैं, तो हम लोग बेबी के अंदर क्या मीनिंग दिखेंगे, बी ए बी, अब वाई को हटाया तो किसका यूज़ करेंगे, आई ई एस का, आई ई एस बेबीज। इसी की तरह सेकेंड एग्जाम्पल, एफ ए आई आर वाई फैरी, एंड किससे हो रहा है, वाई से, वाई को यहाँ से हटा देंगे और एफ ए आई आर वाई आई ई एस फेरिस। नेक्स्ट पी ए आर टी वाई पार्टी, पार्टी के अंदर एंड किससे हो रहा है, वाई से हो रहा है, रूल के अनुसार हम लोगों को इस वाई को हटाना है यहाँ से और इसकी जगह पर आई ई एस का यूज़ करना है, पी ए आर टी आई ई एस पार्टीज। और लास्ट सिटी, वाई से एंड हो रहा है, वाई को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर आई ई एस, तो सी आई टी आई ई एस सिटीज। ये था हम लोगों का रूल नंबर 3, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग वाई को हटाकर वाई की जगह पर हम लोग आई ई एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, इफ़ ए वर्ड एंड विथ एफ और एफ ई एंड वी ई एस इन प्लेस ऑफ एफ और एफ ई टू मैक इट ए प्लूरल नाउन। जब कोई नाउन हम लोगों को, सिंगुलर नाउन हम लोगों को दिया गया हो और उसका एंड एफ से या एफ ई से हो रहा हो, तो वह एफ और एफ ई हम लोग हटा देंगे और उसकी जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वी ई एस का। जैसे हम लोगों ने ऊपर वाई को हटाकर आई ई एस का यूज़ किया, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एफ या एफ ई को हटाकर उसकी जगह पर वी ई एस का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। सिंगुलर नाउन के अंदर दिया है डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ। अब वाइफ के लिए मैंने बताया आप लोगों को जैसा रूल के अनुसार कि हम लोग यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है, इसका एंड किससे हो रहा है, एफ ई से, तो एफ ई को हम लोग यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह पर लिखेंगे वी ई एस, तो डब्ल्यू आई वी ई एस वाइव्स। नेक्स्ट एल ई ए एफ लीफ, अब यहाँ पर एंड किससे हो रहा है, एफ से, यह ए इसके साथ में नहीं लेंगे, लास्ट एंड किससे हो रहा है, एफ से। अगर यहाँ पर एफ के बाद में ई होता तो एफ और ई दोनों हट जाते, लेकिन यहाँ पर केवल एफ है तो हम लोग यहाँ से एफ हटाएंगे और इसकी जगह पर यूज़ करेंगे वी ई एस का, तो एल ई ए वी ई एस लीव्स। नेक्स्ट इज टी एच आई ई एफ थीफ, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ के पहले ई आया है तो यह ई नहीं हटेगा, क्योंकि हमने देखा है कि केवल एफ और एफ ई, जब एफ के बाद में ई होगा तो ई हटेगा, पहले वाला ई नहीं हटेगा, इसलिए टी एच आई ई वी ई एस थीव्स। नेक्स्ट इज के एन आई एफ ई नाइफ, नाइफ के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पर एफ के बाद में ई का यूज़ हो रहा है, इसलिए यह एफ और ई दोनों हटाएंगे, तो के एन आई वी ई एस नाइफ्स। रूल नंबर 5, सम सिंगुलर नाउन्स डू नॉट फ्रॉम प्लूरल्स इन द वे एज लर्न इट लर्न टिल नाउ, सो दे हैव डिफरेंट फॉर्म
एंड आर कॉल्ड इररेगुलर काउंटेबल नाउन। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पीछे हम लोग एस का यूज़ नहीं करते, उनके अंदर जो होते हैं वर्ड्स उनका चेंज होता है और वह प्लूरल नाउन बनते हैं। जैसे एफ डबल ओ टी फुट, अब यहाँ पर जो बीच में डबल ओ दिया है हम लोग इसको चेंज करेंगे, इसके अंदर चेंज होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं स्पेशल नाउन्स जिनके अंदर की तरह उसके अंदर चेंज होता है, तो यहाँ पर जब फुट का प्लूरल नाउन बनेगा तो बनेगा एफ डबल ई टी फिट। नेक्स्ट ओ एक्स ऑक्स, अब यहाँ पर ऑक्स का ऑक्सन बनेगा ओ एक्स ई एन ऑक्सन। फिर टी डबल ओ टी एच तुत, यहाँ पर भी डबल ओ का डबल ई चेंज होगा इसलिए यहाँ पर टी डबल ई टी एच तित। नेक्स्ट एम एन मैन, यहाँ पर न तो इसका मेंस होगा न ई एस लगेगा न वी ई एस कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर जो ए है इसका चेंज होगा ई में, तो मैन का मैन एम ई एन मैन। लास्ट चाइल्ड, चाइल्ड के लिए हम लोग इसको चिल्ड्रन बनाने के लिए सी एच आई एल डी आर ई एन, यहाँ पर आर ई एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 6 इज सम नाउन्स हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सिंगुलर नाउन के अंदर भी उसी वर्ड का यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन के अंदर भी उसी वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे एस एच डबल ई पी शिप, यहाँ पर जो शिप वर्ड दिया है इसका प्लूरल नाउन जो होगा वह भी एस एच डबल ई पी शिप ही होगा। अगला है हेयर, हेयर में हम लोग जब बोलते हैं हेयर तो हम लोग किसी एक हेयर के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका प्लूरल नाउन जो होगा वह भी हेयर ही रहेगा। अगला डियर, डियर का भी प्लूरल नाउन डियर ही होता है। और लास्ट है फिश, जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं मछली और मछलियाँ, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फ़िश का जो होता है वह फिश ही प्लूरल नाउन होता है। अब हम लोगों ने जो ये 6 रूल्स देखे हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी कराई है मैंने, और एक्टिविटीज़ करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, लेकिन तब तक आप लोग अपने घर पर आप लोग सेल्फ भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके बाय।